हेलो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम प्रगति और आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ 30 फैक्ट्स अबाउट थलापति विजय सर। सो यह थलापति विजय सर की जर्नी ऑफ थलापति विजय पर मैंने ऑलरेडी रिएक्शन वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी, प्लीज़ चेकआउट कर लेना। सो जब मैंने वो वीडियो देखा था ना, आई गॉट टू नो सो मैनी थिंग्स अबाउट थलापति विजय सर। उनकी जो स्टोरी रही है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल रही है। सो काफ़ी इंस्पायर करती है उनकी स्टोरी। मतलब आप जब भी थोड़ा सा लो फील कर रहे हो या फिर आपको जब भी देखोगे ना, आपको कुछ सीखने को ही मिलता है। सो चलो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ 30 फैक्ट्स अबाउट थलापति विजय। लेट्स सी, साथ में मिलकर देखते हैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू सोशल। थलापति विजय इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं, जिनकी yes. फिल्म से हमेशा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं। विजय ने तमिल सिनेमा की कई आइकॉनिक फिल्म्स की हैं, जिनके रीमेक्स बॉलीवुड में भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। विजय के लुक से लेकर उनके एक्टिंग स्टाइल तक, ऑडियंस उनकी हर एक फिल्म को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करती है, जिसका क्रेज आपको उनकी नई फिल्म मास्टर में भी देखने को मिला होगा। इस वीडियो में हम आपको थलापति विजय की लाइफ से जुड़े 30 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। I'm coming for you. I'm waiting. Number one, विजय ने अपने चाइल्डहुड से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने 10 साल की उम्र में अपने फादर की डायरेक्टेड फिल्म वेतरी में एक रोल प्ले किया था। इसके बाद उन्हें सुपरस्टार रजनीकांत के साथ एक फिल्म में एज अ चाइल्ड एक्टर देखा गया और वहीं रजनीकांत विजय की इंस्पिरेशन बन गए थे। विजय ने कई बार इंटरव्यूज में खुद कहा है कि अगर रजनीकांत नहीं होते तो मैं कभी एक्टर बनने का सोचता ही नहीं। नंबर टू, विजय की लाइफ की एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जो उनके चाइल्डहुड से जुड़ी है। विजय ने अपनी सिस्टर को ब्लड कैंसर की वजह से खो दिया था और उस वक्त उनकी सिस्टर की एज सिर्फ 2 साल थी। विजय उस वक्त 8 साल के थे और उनके लिए वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट रहा था। उनकी मदर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विजय विद्या से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनका ध्यान रखते थे। विद्या के जाने के बाद से ही विजय की पर्सनैलिटी में चेंज आया था, जहां उन्होंने सबसे बात करना ही बंद कर दिया था और वो बहुत शांत रहने लगे थे। आप सब भी समझ सकते हैं कि एक भाई और बहन का इमोशनल कनेक्ट कितना स्ट्रांग होता है, और अगर ऐसी ट्रेजेडी किसी की लाइफ में हो जाए तो वो इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है। विजय आज भी काफी शांत और सीरियस नजर आते हैं और शायद इसका रीजन उनके बचपन में हुए इस इंसिडेंट से ही रहा हो। नंबर थ्री, विजय के फादर हमेशा से उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, क्योंकि अपनी बेटी को खोने के बाद उन्हें लगा कि विजय को डॉक्टर बनके लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, पर विजय को डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट ही नहीं था। उन्होंने अपनी टीनेज से ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक एक्टर ही बनेंगे। विजय ने ये बात जब अपने फादर को बताई तो वो थोड़ा गुस्सा हुए और ऐसे ही विजय को कह दिया कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो चलो एक्टिंग करके दिखाओ। विजय ने फिर रजनीकांत की फिल्म का एक मोनोलॉग सीन एक्ट करके दिखाया, जिससे उनके फादर काफी इंप्रेस हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विजय एक्टिंग भी कर सकते हैं, पर उस मोमेंट से ही उन्हें भी लगने लगा कि विजय को एज एन एक्टर लॉन्च किया जा सकता है। नंबर फोर, उनके पहले लीड रोल की बात करें तो विजय ने 1992 की फिल्म नलया थिरुप्पु में काम किया था, जब वो सिर्फ 18 साल के थे। फिल्म को उनके फादर ने ही डायरेक्ट किया था, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। एक फिल्म मैगजीन में पब्लिश किए गए आर्टिकल में तो विजय की एक्टिंग और उनके लुक्स को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, जिसे पढ़ करके विजय खुद भी रोने लगे थे। विजय उस वक्त 18 साल के थे और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग उन्हें इतना क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसके बाद भी विजय की कई फिल्म्स फ्लॉप रही, पर धीरे धीरे उनकी फिल्म्स को अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और उन्हें एक रोमांटिक हीरो की तरह देखा जाने लगा। विजय जब सक्सेसफुल हो गए तो उसी मैगजीन ने विजय को अपने फ्रंट कवर पर फीचर किया, और आप देख सकते हैं कि मीडिया में कितने डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है तो मीडिया आपकी इमेज खराब करती है, और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यही मीडिया आपकी सक्सेस स्टोरी को कवर करने पहुंच जाती है। नंबर फाइव, विजय की लव लाइफ की बात करें तो वो कहानी भी बहुत स्वीट है। उनकी शादी संगीता सुरनालिंगम से 1999 में हुई थी, जो इनिशियली उनकी फैन हुआ करती थी। हुआ यूं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान संगीता विजय से सेट पे ही मिलने पहुंच गई और वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। सो स्वीट। नंबर सिक्स, थलापति विजय का रियल नेम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, और उन्हें थलापति का नाम उनके फैंस ने ही दिया है। थलापति का मतलब कमांडर होता है, और 1994 की फिल्म रसिकन में उनका नाम थलापति विजय ही लिखा गया था, जिसके बाद से फैंस ने भी उन्हें इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। नंबर सेवन, काफी कम लोग जानते हैं कि मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपना एक्टिंग डेब्यू 2002 में आई तमिल फिल्म थमिजा से किया था, जिसमें फिल्म के लीड एक्टर थलापति विजय ही थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, और इसके बाद से ही प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में भी कई बड़ी फिल्म्स ऑफर हुई थी। ओह,
नंबर 8, 2001 की शुरुआत में विजय ने एक्शन मूवीज में काम करने का डिसीजन लिया था और 2004 में आई उनकी फिल्म गिली से प्रूफ हो गया था कि उनका ये डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं था। गिली तमिल सिनेमा की उस वक्त की सबसे बड़ी हिट रही थी, जहां फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस किया था। 50 करोड़ आज की फिल्म के हिसाब से तो कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, पर 2004 में एक रीजनल फिल्म के लिए 50 करोड़ का बिजनेस करना बड़ी बात थी। उस टाइम ऐसे रिकॉर्ड सिर्फ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म्स ही बनाया करती थी, जहां उनकी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म का कलेक्शन 44 करोड़ था। फिल्म गिली ने जब ये रिकॉर्ड तोड़ा तो विजय को भी एक सुपरस्टार के तौर पर देखा जाने लगा और आगे आने वाले सालों में उनकी हर फिल्म से नए रिकॉर्ड्स बने हैं। नंबर 9, रीमेक्स की बात करें तो थलापति विजय इतने फेमस तमिल एक्टर हैं कि उनकी सभी फिल्म्स को हिंदी में डब किया जाता है और उनकी फिल्म्स के रीमेक भी बनाए जाते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे विजय की फिल्म थुपक्की का रीमेक थी और सलमान की फेमस फिल्म वांटेड भी तभी बनाई गई थी जब प्रोड्यूसर्स ने विजय की फिल्म पोखिरी को देखा था। वैसे तो पोखिरी इससे पहले तेलुगु में महेश बाबू के साथ बनाई गई थी, पर जब प्रोड्यूसर्स ने विजय का तमिल रीमेक देखा तो उसी की डायरेक्टर ने प्रभु देवा को वांटेड के लिए अप्रोच किया। ये एक बहुत ही अमेजिंग कनेक्शन है, क्योंकि उस वक्त सलमान का करियर भी डाउनफॉल पर था और उन्हें एक हिट फिल्म की जरूरत थी। आप सोच के देखिए, अगर प्रोड्यूसर्स ने विजय की फिल्म देखी ही ना होती तो सलमान को वांटेड जैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक मिलता ही नहीं। नंबर 10, सुशांत सिंह राजपूत और विजय के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है। हुआ यूं की फिल्म विजिल में विजय के कैरेक्टर की यंग एज और ओल्ड एज दोनों की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म में यंग एज वाला कैरेक्टर तो विजय ही प्ले करने वाले थे, पर उसी कैरेक्टर की ओल्ड एज दिखाने के लिए किसी और एक्टर को लिया जाने वाला था। उसी दौरान सुशांत की फिल्म छछोरे भी प्रोडक्शन में थी, जहां मेकअप और प्रोस्थेटिक्स की मदद से उनके कैरेक्टर को भी दो अलग एजेस में दिखाया गया था। विजिल के मेकर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने विजय को सुशांत के कुछ स्केचेस दिखाए और उन्हें बताया गया कि विजय को भी इसी टेक्निक से ओल्ड दिखाया जा सकता है। विजय सुशांत के लुक से काफी इंप्रेस हुए थे, जिसके बाद फिल्म छछोरे की मेकअप आर्टिस्ट प्रीति शीतल सिंह को ही उन्होंने अपनी फिल्म के लिए अपॉइंट कर लिया था। विजय का लुक फैंस को बहुत पसंद आया और उनके ओल्ड एज लुक को भी अप्रिशिएट किया गया। नंबर 11, बहुत सालों पहले विजय और कैटरीना कैफ कोका कोला के एड में एक साथ नजर आए थे। ये एड उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ करता था, पर पिछले साल दोबारा इस एड को लोगों ने देखना शुरू किया, जिसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक इंटरव्यू के दौरान कैटरीना कैफ ने बताया कि इस एड को शूट करते हुए उन्हें विजय की हम्बल नेचर का पता चला। हुआ यूं की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और हर कोई पैकअप कर रहा था। वहीं विजय कैटरीना को बाय बोलने आए, पर कैटरीना उस वक्त अपने फोन पर बिजी थी। फिर जब कैटरीना को रियलाइज हुआ कि विजय इतनी देर से उन्हें सिर्फ बाय बोलने के लिए खड़े हैं, तो इस जेस्चर से कैटरीना बहुत impress hui thi. After some time, I still see these feet. Finally, I've looked up and I see that it's the guy in the ad with us, who is an actor, South superstar. Big His name star. Is Vijay. Yeah. And he was so polite. He was waiting not to disturb me to say goodbye. Oh, wow. Oh my God. He's so humble. So sweet. Number 12. विजय आज तक सिर्फ एक ही हिंदी फिल्म में नजर आए हैं और वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। 2012 में आई फिल्म राउडी राठौड़ में वो अक्षय कुमार के साथ एक गाने में नजर आते हैं। ये अपीयरेंस उन्होंने प्रभु देवा के कहने पर किया था, जो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। नंबर 13, फिल्म गोलमाल अगेन में भी आपको विजय की एक छोटी सी झलक नजर आती है, जहां एक फाइट सीक्वेंस से पहले विजय की फोटो को दिखाया गया है। इस सीन के थ्रू रोहित शेट्टी ने विजय को एक तरह से ट्रिब्यूट दिया है, जहां उन्हीं की फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक पर अजय देवगन एक्शन करते नजर आते हैं। नंबर 14, गोलमाल के अलावा भी रोहित शेट्टी ने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में थलापति विजय की फिल्म गिली के कुछ सीन से इंस्पिरेशन ली थी, जहां फैंस ने फिल्म के ट्रेलर में ये चीज नोटिस कर ली थी। बॉलीवुड ने बहुत बार साउथ इंडियन फिल्म से इंस्पिरेशन ली है और कई बार ये इंस्पिरेशंस बिना किसी क्रेडिट के ली जाती हैं। शायद बॉलीवुड में कल्चर ही इस तरह का रहा है, जहां साउथ इंडस्ट्री में जो चीज सक्सेसफुल रही होती है वो वैसा ही कुछ बॉलीवुड में भी बनाने की कोशिश करते हैं, पर ज्यादातर बॉलीवुड रीमेक्स में वो बात ही नहीं होती जो उनकी ओरिजिनल फिल्म में नजर आती है। एग्जैक्टली। नंबर 15, फिल्म थुपक्की विजय के करियर की एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है, जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया था। तमिल सिनेमा में इससे पहले सिर्फ सुपरस्टार रजनीकांत की मूवीज ही 100 करोड़ प्लस का बिजनेस करती थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी नॉन रजनीकांत फिल्म ने इतनी कलेक्शंस की हो। सो इफ यू रियलाइज, विजय ने हमेशा रजनीकांत जी से इंस्पिरेशन ली है और आज विजय ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें रजनीकांत के बाद तमिल सिनेमा में इतना रिकॉग्निशन मिला है। नंबर 16, अगर आप विजय के साथ साथ विद्युत जम्वाल के फैन हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है। फिल्म थुपक्की में विद्युत ने ही विलन का रोल प्ले किया था और सभी को उनकी और विजय की ऑन स्क्रीन कंपैटिबिलिटी काफी पसंद आई थी। विजय को अपने कैरेक्टर के लिए अवार्ड्स तो मिले ही थे, पर नेगेटिव रोल के लिए विद्युत को भी साइमा अवार्ड दिया गया था, जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में गिना जाता है। विद्युत ने फिल्म में बहुत ही परफेक्शन से अपना कैरेक्टर प्ले किया था और अगर फिल्म हॉलीडे में उन्हें एज अ विलन कास्ट किया जाता तो शायद ही अक्षय कुमार को इतनी हाइप मिलती।
नंबर 17, थलापति विजय की फिल्म सोशली काफी रेलेवेंट होती है, जहां बहुत बार उनकी फिल्म से पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉब्लम भी हुई है। 2013 की फिल्म थलाइवा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां गवर्नमेंट ने फिल्म को तमिलनाडु में बैन कर दिया। फिल्म गवर्नमेंट को पॉलिटिकली प्रोवोकेटिव लगी और फिल्म की टैगलाइन टाइम टू लीड से उन्हें लगा कि ये फिल्म लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ करने के लिए बनाई गई है। थिएटर ओनर्स को डराया जा रहा था, जहां उनके थिएटर को जला देने की धमकियां दी गई थी। इन सभी चीजों को देखते हुए विजय ने एक वीडियो लॉन्च किया, जिसमें वो फैंस और गवर्नमेंट से फिल्म की रिलीज के लिए रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं। थलाइवा को फिर एक हफ्ते बाद कुछ सीन्स और डायलॉग्स चेंज करके रिलीज कर दिया गया, पर तब तक ऑलरेडी फिल्म की पायरेटेड कॉपीज मार्केट में आ चुकी थी, जिसकी वजह से फिल्म को काफी भारी लॉस हुआ। फिल्म ने 100 करोड़ तक का कलेक्शन किया, पर जिस तरह से इसकी हाइप थी, सबका मानना था कि फिल्म 200 करोड़ तो आराम से अर्न कर लेगी। नंबर 18, थलाइवा की रिलीज को जब डिले कर दिया गया तो एक बहुत ही सैड इंसिडेंट सामने आया, जहां एक फैन ने अपनी जान दे दी। उनके वो फैन हमेशा विजय की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करते थे, पर जब तमिलनाडु में फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया गया तो उसके अफसोस में उन्होंने अपनी जान दे दी। साउथ इंडिया में फैंस बहुत दिल से अपने एक्टर से जुड़े होते हैं और उनका पैशन आपको पब्लिक गैदरिंग्स में साफ नजर आता है। वी होप आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो और कुछ फैंस भी इन चीजों को रियलाइज करें कि रियल लाइफ इज मोर प्रेशियस देन अ रिलीज ऑफ फिल्म। नंबर 19, 2015 में दोबारा विजय कंट्रोवर्सी में आए, जहां फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले ही उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड की गई। गवर्नमेंट का कहना था कि जब तक विजय की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता। फैंस को एक प्लान स्ट्रेटेजी लगी, जहां हर जगह से फैंस उनके घर के बाहर आकर खड़े होने लग गए और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सिनेरियो एक नेशनल डिबेट बन गया था। इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट भी विजय के फेवर में था, जहां ऑफिसर्स को कोई टैक्स फ्रॉड रिलेटेड एविडेंस नहीं मिला। हालांकि इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स को काफी लॉस हुआ, जहां विजय की फिल्म के पहले दिन के शोज को रिलीज ही नहीं मिल पाई। नंबर 20, फिल्म थ्री इडियट्स में आपको आमिर खान का कैरेक्टर रेंचो तो जरूर याद होगा, पर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म के तमिल रीमेक नंबर में विजय ने ही वो कैरेक्टर प्ले किया था। नंबर 21, रश्मिका मंदाना, जिन्हें आजकल नेशनल क्रश ऑफ इंडिया के टैग से भी जाना जाता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके खुद के क्रश हमेशा से थलापति विजय रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में दोनों साथ में एक फिल्म में आने वाले हैं, और आप भी इसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन कॉमेंट्स में जरूर दें। नंबर 22, विजय एक फिल्म की शूटिंग के लिए यूएस गए थे, जहां उन्होंने टॉम क्रूज के बीच हाउस में विजिट किया था। उस घर की लोकेशन और उसका आर्किटेक्चर विजय को इतना पसंद आया कि उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही घर अपने लिए चेन्नई में बनाया है। नंबर 23, थलापति विजय हमेशा से ही सोशल वर्क में सबसे आगे रहे हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2020 में कोविड की वजह से पूरी दुनिया को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी बीच विजय ने 1 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन रिलीफ फंड्स को दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने अपने फैंस को भी फाइनेंशियली हेल्प किया, जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। नंबर 24, जब 2008 में आईपीएल लॉन्च हुई तो विजय चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रांड एम्बेसडर थे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी विजय कंटिन्यूअसली टीम को सपोर्ट करने आया करते थे, और इस साल आईपीएल से पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई, जहां वो क्राउड में चीयर करते नजर आते हैं। इस वीडियो को देख के सब इतने नॉस्टैल्जिक हो गए कि ट्विटर पर विजय को लेकर ट्रेंड बन गया, जिसका क्रेज देख के ऑफिशियली सीएसके ने उन्हें एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया था। नंबर 25, फिल्म बिगिल में वो एक फुटबॉलर के कैरेक्टर में नजर आते हैं, और इस रोल के लिए रियलिटी में उन्होंने फुटबॉल के ट्रिक सीखे थे। अगर आपने और मिलियन डॉलर आर्म जैसी स्पोर्ट्स फिल्म्स देखी हैं, तो उसी फिल्म के स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर ने विजय की फिल्म बिगिल में उन्हें फुटबॉल की ट्रेनिंग दी थी। नंबर 26, विजय की खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है, जिसका नाम वीवी प्रोडक्शंस है। डबल वीवी इनिशियल का मतलब है विद्या विजय प्रोडक्शंस, जिसका नाम उन्होंने अपनी सिस्टर की याद में रखा है। इसके अलावा विजय ने अपनी डॉटर का नाम दिव्या रखा है, जो उनकी सिस्टर विद्या के नाम से ही मिलता है। नंबर 27, साउथ इंडियन इंडस्ट्री के फैंस की बात करें तो शायद पूरी दुनिया में उनके जैसे पैशनेट फैंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। केरला में एक फैन क्लब ने विजय के लिए 175 फीट लंबा कटआउट बनाया, जिसमें लाखों रुपए लगे थे। ये सभी पैसे इन फैंस ने खुद कंट्रीब्यूट किए थे। इसके अलावा भी विजय के फैंस उनकी फिलॉसफी फॉलो करते हैं, जहां इसी तरह पैसे कंट्रीब्यूट करके वो सोशल कॉजेज में मदद करते हैं। ऐसा आपको सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में ही देखने को मिल सकता है, जहां एक्टर्स के अलावा फैंस भी उनके नाम पे चैरिटी वर्क और सोशल काम करने में बिलीव करते हैं। नंबर 28, विजय ने 2013 से इंटरव्यूज ही देना बंद कर दिया है। उनका मानना है कि वो सीधा फैन से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी हर नई फिल्म के प्रमोशन के लिए फैन इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां वो सीधा अपने फैन से ही इंटरेक्ट करते हैं। ये बहुत ही रेयर फैक्ट है, क्योंकि फिल्म प्रमोट करने के लिए एक्टर्स हमेशा इधर उधर लगे रहते हैं, पर विजय की फैन फॉलोइंग ही ऐसी है कि उन्हें शायद इंटरव्यूज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही में।
People are going Number crazy. 29. विजय की नेक्स्ट फिल्म मास्टर को पैन इंडिया में रिलीज किया जाने वाला है. अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो ऐसा कहा जा रहा था कि मास्टर से अपनी पुरानी फिल्म बिगिल का रिकॉर्ड भी वो तोड़ देते जिसने अराउंड 300 करोड़ का बिजनेस किया था. इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और माना जा रहा है कि इस फिल्म से लोग थिएटर में वापस आएंगे जिससे फ्यूचर में आने वाली फिल्म्स को भी फायदा होगा. हम भी इस फिल्म से बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और आप भी हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या मास्टर ईयर 2021 की पहली बड़ी हिट फिल्म होगी या नहीं. नंबर 30. विजय मासेस में इतने पॉपुलर हैं कि उन्हें बॉलीवुड में भी कई बार फिल्म्स ऑफर की गई हैं पर कभी भी उन्होंने बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं लिया है. विजय का मानना है कि उन्हें बॉलीवुड में जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तमिल इंडस्ट्री ही उनके लिए सब कुछ है. हमारे ओपिनियन में भी विजय को बॉलीवुड से दूर ही रहना चाहिए और अपनी फिल्म्स को ही हिंदी में रिलीज करना चाहिए. विजय मासेस को पसंद आने वाले एक्टर हैं जहां बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक हर कोई उनकी फिल्म्स को देखना पसंद करता है. अगर वो बॉलीवुड में आते हैं तो श्योरली उनके फैंस उस हिंदी फिल्म को हिट बना देंगे पर हमें नहीं लगता कि बॉलीवुड उनका स्टारडम संभाल पाएगा. इसलिए विजय आप उधर ही रहें और अपने स्टाइल से पूरी इंडियन इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते रहें. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपकी थल्लापति विजय की फेवरेट फिल्म कौन सी रही है और आगे आप किस सेलिब्रिटी की फैक्ट वीडियो देखना चाहेंगे. बहुत सारे तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो. आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी. ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं. वाव यार, आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतने सारे और फैक्ट्स जानने को मिले. मतलब जो मैंने जर्नी ऑफ थल्लापति विजय वीडियो बनाया था ना, उसमें भी काफ़ी कुछ जानने को मिला था बट इसमें बहुत सारी चीज़ें वो जानने को मिली जो उसमें मैंने नहीं देखी थी. लाइक जो चीज़ें इनकी बॉलीवुड से रिलेटेड हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था. लाइक जो प्रियंका चोपड़ा की फर्स्ट मूवी थी वो थल्लापति विजय सर के साथ थी. आई डिड नो दैट. मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर. और कैटरीना कैफ के साथ थल्लापति विजय सर की एड आई थी जो भी अब तक मैंने देखी नहीं है. और कैटरीना कैफ ने एक इंटरव्यू में अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया था थल्लापति विजय सर के बारे में. लाइक शूटिंग के बाद थल्लापति विजय सर उनको बाय बोलने के लिए वेट करते रहे एंड कैटरीना कैफ वॉज ऑन कॉल. सो मतलब काफ़ी अच्छा लगा. उन्होंने अपना स्वीट सा एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो कितने हम्बल हैं, कितने अच्छे नेचर के हैं. सो अगर कोई सुपरस्टार, कोई अच्छी एक्ट्रेस आपके बारे में इतना अच्छा बोल रही है दैट मीन्स कि आप कितने अच्छे हो ऑब्वियसली. सो काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर. और थल्लापति विजय सर सोशल चीज़ों में इतना कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, इंटरव्यूज़ नहीं देते लोगों से, अपने फैन से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं. सो ये चीज़ से क्या होता है कि उनके जो फैंस हैं उनकी बॉन्डिंग है, जो उनका कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से बिल्डअप रहता है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर के. सो थल्लापति विजय सर की सारी चीज़ें जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा. ये सारी चीज़ें नई नई मुझे उनके बारे में जानने को मिली. बॉलीवुड की मूवीज़ वो साइन नहीं करते हैं क्योंकि उनकी जो साउथ की मूवीज़ होती हैं ना उनको ही पूरी दुनिया इतना प्यार करती है. सो उनको ज़रूरत भी नहीं है. सो मज़ा आया मुझे वीडियो देखकर. आप लोग बताएं आपको वीडियो कैसे लगा. अगर पसंद आया सो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. और मैंने जर्नी ऑफ थल्लापति विजय पर वीडियो बनाया होगा, आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चेकआउट कर लेना. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी. सो चलो वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय गाइस, टेक केयर.